चलो भाई 4.18 एग्जाम्पल, 4.18 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर फॉर, यस, 99 कंप्लीशन इज ट्वाइस टू द टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। देखो भाई ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो, ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए, वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उससे कितना है, डबल है। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टी 90%, टी 90% एन टी 99%, ओके, रेशियो ले लेना है दोनों का, इज इक्वल टू लॉग। अब टी 90% है, टोटल रिएक्शन 100%, नीचे 90% 100, ओके, 100 माइनस 19 तो कितने, 10, तो नीचे 10 लिखें, ओके। अब नीचे लॉग 100, सेम भाई यहाँ पे 99 है तो 100 माइनस 1, सॉरी 100 माइनस 99, 100 माइनस 99 तो 1 मिलेगा, तो इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ऊपर लॉग 10 और नीचे क्या आएगा, लॉग 100, बराबर है ना, नीचे आने वाला है लॉग 100। लॉग 10 तो आपको मालूम है कितना होगा, 1 होगा, लॉग 10 कितना होगा, 1। नीचे आप क्या लिखोगे, लॉग 10 रेज टू 2, आपको मालूम है नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 log 10, log 10 इज इक्वल टू 1, तो देखो आंसर आ गया 1/2। क्लियर हो गया ना भाई, क्लियर, एमसीक्यू में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, टी 99% इज इक्वल टू, देखो भाई इज इक्वल टू 1/2, तो 2 × T 90% हो गया। एमसीक्यू में इसका मैक्सिमम यूज हो सकता है, याद रखना भैया, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, ये हमने प्रूव कर दिया कि डबल है टाइम। ओके चलो, उसके जैसा ही एक एग्जांपल, 4.19। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ, 30% कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट लगती है, तो टी हाफ आपको फाइंड करना है, टी हाफ फाइंड करना है, टी हाफ फाइंड करना है। तो ऊपर जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से भी आप कर सकते हो कैलकुलेशन, ओके, ऊपर जो हमने टी हाफ मतलब टी 50%, उसका मतलब क्या होगा बेटे, टी 50%, वो हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हिंट दे देता हूं, दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर क्या है भाई, टी, देखो भाई टी 30% लिखा है, 30% तो टी 30% इज इक्वल टू, उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, लॉग 100, नीचे क्या आएगा भाई, 100 माइनस 13 तो रिमेनिंग 17, ओके। यहां पे क्या है, टी 50% आपको कैलकुलेट करना है, ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है,
नीचे क्या लिख सकते हैं, लॉग 100, 100 माइनस 50 तो 50, सिंपल। अब आपको देखो भी एक क्या दिया हुआ है एग्जांपल में, T30 दिया हुआ है, T30 इज गिवन 40 मिनट। नीचे T50% मतलब बेटे टी हाफ जो आपको कैलकुलेट करना है, ऊपर क्या आएगा लॉग 100 अपन 7, उसका कैलकुलेशन करना है, उसका कैलकुलेशन कर दो 10/7, लॉग 10/7। नीचे क्या आएगा भाई लॉग 2, लॉग 2 आपको मालूम है क्या आता है, ओके लॉग 10/7, लॉग 10/7 का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.1549 आने वाला है, ओके आप अपने हिसाब से भी कर देना। नीचे लॉग 2 है तो लॉग 2 का भी क्या आएगा 0.3010, ओके अब आप कैलकुलेशन कर दो तो आपको क्या मिलेगा टी हाफ मिल जाएगा डायरेक्टली, क्या मिलेगा टी हाफ मिल जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 40.3010 डिवाइडेड बाय 0.1549, ओके इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर। चलो एक और मेथड भी है भाई, एक और मेथड भी है, आ गया अभी आंसर 77.7, आप चेक कर लेना आंसर आया 77.77, देखो मिनट ये आंसर आया आपका फाइनल, क्लियर ओके। आप एक और मेथड से भी यूज कर सकते हो इसको, पहले के फाइंड कर दो उसके बाद टी हाफ, देखो भाई वो मेथड क्या है। और सेकंड मेथड में डायरेक्ट हिंट दे देता हूं, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट के, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है 2.303 बाय टी लॉग आर जीरो बाय आर टी, आर जीरो मतलब इनिशियल 100, आर टी 30% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग 70, ओके 10/7 उसका लॉग देखना है। टाइम आपको दिया हुआ है कितना 40, तो देखो बेटे 2.303 टी दिया हुआ है 40, लॉग 10/7 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो 1549, ओके तो इसका आंसर आपको मिलेगा 8.9 × 10⁻³ मिनट इनवर्स, ओके ये आपको के मिला। अब आप क्या करोगे, के मिल गया आपको, के फाइंड करने के बाद आपको टी हाफ फाइंड करना है, टी हाफ फाइंड करना है भाई, क्या फाइंड करना है आपको टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, 0.693 बाय के, के मतलब 8.9 × 10⁻³, उसका कैलकुलेशन करो तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 77.7, हो गया भाई। ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, कोई भी, क्लियर, कोई भी मेथड से आप एग्जांपल कर सकते हो, बट एग्जांपल कंपलसरी लर्न करने टेक्स्ट बुक के, इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज के, क्लियर ओके। चलो भाई अब उसके बाद वाले एक एग्जांपल,
4.20 for the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin temperature following data are obtained. Calculate rate constant. आपको क्या find करना है भाई? Rate constant find करना है. कैसे calculation करेंगे? कैसे calculation करेंगे? देख लो चलो. तो पहले तो भाई समझ लेना हो, ये एग्जाम्पल आपने नहीं किए हुए हैं. रेट कांस्टेंट फाइंड करना है. पहले तो ये जो लिखा हुआ है, पहले तो रिएक्शन वो मैं लिखता हूं, एजो आइसोप्रोपेन, उसमें से आपको मिलने वाला है हेक्सेन, एंड नाइट्रोजन एंड टू. ओके, ये रिएक्शन है. अब कोई भी रिएक्शन की बात करें तो इनिशियल टाइम पे तो ओनली रिएक्टेंट ही होने वाले हैं जो भी होंगे वो. ओके, जो प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट का ही होगा, बिकॉज ऑफ इनिशियल स्टेज पे तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी ना. हाँ, तो पहले टी इज इक्वल टू जीरो के लिए देखते हैं बेटे. फॉर टी इज इक्वल टू जीरो टाइम, तो ये जो था हमारा एजो आइसो प्रोपेन, उसका प्रेशर दिया हुआ है 35 mm. ओके, वो दिया हुआ है. प्रोडक्ट का तो नहीं होगा भाई वो टाइम पे, प्रोडक्ट का प्रेशर नहीं होने वाला है. क्लियर? अब उसमें चेंज जो आएगा वो चेंज देखते हैं कितना आने वाला है. चेंज माइनस एक्स प्लस एक्स, बरोबर, प्रोडक्ट में मिलते हैं इसीलिए प्लस प्लस. यहां पे क्या आएगा? माइनस आएगा. अब 360 टाइम, पहले ये लेते हैं. तो टी इज इक्वल टू टाइम, टी इज इक्वल टू 360 सेकेंड उसके बाद. तो यहां पे क्या होगा? 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, यहां पे तो एज इट इज प्लस एक्स और प्लस एक्स मिलेगा. ओके, अब आप क्वेश्चन में देखो तो एट 360 सेकंड पे प्रेशर कितना होगा? टोटल 54 एमएम प्रेशर होगा. ओके, आफ्टर 360 सेकंड टोटल प्रेशर. तो ये जो हमने 360 टाइम तो ले लिया, तो अब टोटल प्रेशर की बात करें तो 54 है. तो देखो भाई 54 टोटल प्रेशर. वन सेकेंड, चलो टोटल प्रेशर देख लो. तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 54. ओके, ये टोटल हुआ, ये टोटल प्रेशर 54. तो 54 35 माइनस एक्स, ये जो था वो प्लस एक्स और ये प्लस एक्स इज इक्वल टू 54 हुआ. तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई? आप कैलकुलेट कर सकते हो.
54 माइनस 35, तो x मिलेगा आपको 19 mm, ये x मिला, ये क्या मिला हमें, x मिला। x मिला हमें 19 mm, x इतना मिलेगा। अब क्या करोगे, ये x की वैल्यू जो है वो हम ऊपर रख देंगे, 35 माइनस x, तो ये मिल जाएगा हमें, देखो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 35 माइनस x मतलब 19, तो कितना मिलेगा 16, यहाँ पे भी x कितना 19, जो हमने कैलकुलेट किया वो 19 हो गया अभी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन लिखो, क्या था भाई इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर अपन देखो भाई यहां पे हम इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्ट, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log इनिशियल प्रेशर, नीचे क्या लिखेंगे फाइनल प्रेशर, ओके, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2.303 बाय t इनिशियल प्रेशर कितना है बेटे 35 है, और फाइनल प्रेशर है कितना 1616, ओके देखो भाई ये रहा 1616 कहां से आया देख लो, ओके अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम कितना है भाई 3:16 लॉग, ओके भाई इसका कैलकुलेशन लॉग का डायरेक्ट लिख दो, लॉग कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 0.3399, ओके तो इज इक्वल टू 2.1747 इंटू 10^-3 इंटू 10^-3, ये क्या मिला हमें के, ओके क्या मिल गया हमें के। अब ये 360 के लिए फाइंड किया पहले बेटे, देखो 360 के लिए, अब सेम 720 के लिए भी करना पड़ेगा, ओके तो देखो अब उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, 4 मार्कर में भी एग्जांपल आ सकता है, याद रखना, चलो फॉर 720 सेकेंड उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे भी हमें ऐसे ही इक्वेशन लिखेंगे, पर यहां पे हमने क्या किया था 54 जो लिया था ना बेटे, 54 टोटल प्रेशर कितना लिया था 54, तो देखो ऊपर अब 720 लेंगे हम तो टोटल प्रेशर कितना लेंगे 63, याद रखना हो नहीं तो नहीं पता चलेगा बाद में कहां से क्या लिखा, वो क्या लेंगे 63 लेंगे, ओके ये सब सेम टू सेम, यहाँ जो 54 है वहां पे हम क्या लेंगे 63 लेंगे, तो देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना भाई 63 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ओके देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू बेटे कितना मिलेगा 28 मिला, क्या मिला 28, वही एग्जांपल उसके जैसा ही, अब इक्वेशन रखो के इज इक्वल टू, रेफरेंस बुक में पता नहीं चलेगा भाई, हो समझ लो यहां पे 720
720 log. ऊपर इनिशियल प्रेशर तो कितना आएगा 35, बाद में कितना आएगा भाई 28 आएगा, नहीं 28 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे 90 तो नीचे हमने 19 लिखा, नहीं ये 19 आया, क्या 19 आया x, तो यहाँ पे क्या लिखना है 35 माइनस x तो कितना आया 60, तो 720 के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 35 माइनस 28 तो 7, याद रखो भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 35, ये जो लिखा ना हमने ऊपर, हाँ 720 सेकंड के लिए फाइनल प्रेशर कितना होगा 35 माइनस 28 पीएफ फाइनल प्रेशर 35 माइनस 28 इज इक्वल टू 7 mm, याद रखो बेटे यहां पे हमें लिखना है 7 इज इक्वल टू 2.303 720 लॉग का कैलकुलेशन कर दो भाई 0.6990 हो गया इज इक्वल टू 0.0024 सेकेंड इनवर्स हो गया भी आंसर ये हमारा। अब दोनों के लिए हमें के मिल गया तो एवरेज निकाल देंगे, एवरेज के लिए क्या करेंगे देखो भाई एवरेज आगे आंसर था हमारा 2.1747 इंटू 10^-3 ओके, और ये जो आंसर है उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे 2.4 × 10^-3 ओके डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज निकल जाएगी भी सेम ही रहने वाला है थोड़ा बहुत 2.2 × 10^-3 सेकेंड इनवर्स, दिस इज अवर फाइनल आंसर ओके। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ भाई, चेक कर लो, बहुत इजी एग्जांपल है, रेफरेंस बुक में नहीं पता चलेगा कहां से क्या दिया हुआ है वो, इसीलिए समझ लो। चलो अब उसके बाद वन मोर बेस्ट एग्जांपल, नहीं पता चलेगा ये भी। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 के लिए reaction is given, experiment time भी दिया हुआ है, pressure okay, equation है हमारा ये question आई थिंक थोड़ा बाकी है, देखो वन सेकंड पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, देखो अभी एग्जाम्पल नंबर लास्ट में ही होगा 21, हाँ ये रहा भाई, देखो उसके नीचे भी एक लाइन है, देखो भैया चलो
अब देख लो, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इतना हो तब आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं फटाफट। अब समझना ये एग्जांपल भी, पहले तो जो रिएक्शन है वो लिख दे, आगे जो एग्जांपल किया था ना उसके जैसा ही है बेटे। फर्स्ट वी हैव टू राइट द रिएक्शन SO2Cl2। ओके, इसका नाम हमें मालूम है क्या था, कंपलसरी याद भी रखना है। SO2Cl2 में से हमें मिलेगा SO2 प्लस Cl2। ओके, पहले तो टी इज इक्वल टू जीरो के लिए, टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम पे भी कितना प्रेशर है, 0.5। प्रोडक्ट 0 0, अब उसमें चेंज हुआ, उसमें जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ भाई, तो माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स, आगे जो किया था उसके जैसा ही सेम टू सेम। ओके, आफ्टर टी टाइम, तो बेटे यहां पे क्या लिखेंगे, 0.5 माइनस एक्स, यहां पे लिखेंगे प्लस एक्स, यहां पे लिखेंगे प्लस एक्स। क्लियर? अब टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू भाई ऊपर जो भी लिखा है उसको प्लस कर दो, 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है देखो भाई क्वेश्चन में, 0.6 ये दिया हुआ है ना, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.6। अब कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा भाई, 0.6 इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 0.1। ओके, ये हमने एक्स कैलकुलेट किया आगे जो एग्जाम्पल में किया था उसके जैसा ही। अब SO2Cl जो था उसका इनिशियल प्रेशर तो ये रहा, उसका फाइनल प्रेशर ये रहा भाई, फाइनल प्रेशर, तो उसमें एक्स तो हमें मिला ना। ओके, तो मैं नीचे लिखता हूं फाइनल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। पता चला भाई फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर PF ऑफ SO2Cl2, तो वो लिखेंगे हम क्या भाई, 0.5 माइनस एक्स, सॉरी ये PDF, पॉइंट फाइव माइनस एक्स SO2Cl2 इज इक्वल टू, ऊपर 0.5 माइनस एक्स था भाई, एक्स आपने कैलकुलेट कर दिया, तो 0.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना आया, 0.4 फाइनल प्रेशर आ गया। अब आप कैलकुलेट कर दो के, तो के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल प्रेशर, नीचे फाइनल प्रेशर। टी कितना था भाई टाइम, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 100, देखो भाई 100 दिया हो ना, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर 0.5, फाइनल प्रेशर ऊपर जो कैलकुलेट किया वो 0.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303 बाय 100, इसका लॉग कैलकुलेट करो,
0.09691 होगा। ओके, अब इसका आंसर 2.2318 इंटू 10^-3 सेकेंड इनवर्स, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके चलो अब आगे, ये हमने के फाइंड किया पहले, क्या के कैलकुलेट किया आपने, बट आपको अभी एक और भी फाइंड करना है। देखो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। के फाइंड कर दिया आपने, के ये रहा के, अब टोटल प्रेशर कितना बोला है 0.65, तो उसके लिए देखो भैया, इफ टोटल प्रेशर इज 0.65 तो क्या लिखेंगे भाई, 0.65 इज इक्वल टू 0.5+x। कैसे लिखा देखो, आगे क्या लिखा था हमने, टोटल प्रेशर कितना था भाई 0.6, तो हमने क्या लिखा था 0.6 इज इक्वल टू ये लिखा था। अब टोटल प्रेशर कितना हो 0.6 नहीं 0.65, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 0.65। उस हिसाब से आप के कैलकुलेट करो, तो के कितना मिलेगा x कितना मिलेगा 0.15, ये आपको x मिला। क्लियर, अब आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। पहले आपको ये x मिला, अब x के ऊपर से फाइनल प्रेशर भी मिलेगा ना PF, जैसे ये मिला था ऊपर, जैसे आपने ये कैलकुलेट किया था 0.5 - x 0.4 फाइनल प्रेशर, उसी तरीके से यहाँ पे हम मिलेंगे फाइनल प्रेशर PF, फाइनल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, तो उसको हम क्या लिखेंगे भाई 0.15, तो कितना आएगा 0.35 आया, क्या मिला आपको 0.35। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट फाइंड करना है आपको, तो उसके लिए क्या था भाई, के इनटू प्रेशर, फाइनल प्रेशर जो आएगा वो फाइनल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, के कितना कैलकुलेट किया ऊपर जो देखो भाई, इनटू 10^-3 इनटू प्रेशर, प्रेशर आपने फाइनल प्रेशर 5.35। अब इसका कैलकुलेशन करो तो आंसर आएगा 7.8 × 10^-4, ये फाइनल आंसर आया आपका, चेक कर लो भाई फिर से एक बार। देखो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 - x - x, नीचे चेंज कितना हुआ जो यूज होता है ओके रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में प्लस होता है उतना ही 0.5 - x। अब टोटल प्रेशर देखो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर 100 सेकेंड 0.6, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 0.6 इज इक्वल टू ये पूरे का पूरा टोटल, तो हमें क्या मिल जाएगा x नीचे मिल गया भाई, x मिला, तो 0.5 - x कर दो तो हमें क्या मिलेगा फाइनल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना मिला बेटे 0.4 मिला, कितना मिला 0.4। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज करो, देखो के मिला, अब फाइनल प्रेशर 0.65 है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सेम यहाँ पे 0.6 लिखा था वहां पे 0.65 को, तो x मिल गया, x जो है वहां पे रख दो 0.5 - x, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल प्रेशर 0.35। अब रेट के लिए इक्वेशन है हमारे पास k इंटू प्रेशर, तो आ गया आंसर, चेक कर लो